हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम पढ़ते हैं आज चैप्टर 2, घातांक के नियम। घातांक के क्या नियम होते हैं, घातांक कैसे जुड़ती है, घटती है, उसके बारे में। फर्स्ट अपना नियम है कि जैसे गुणा गुणा में दिया गया है, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5, तो बराबर क्या कर देंगे अपन, दोनों घातों को जोड़ देंगे। 3 प्लस 5, गुणा में है तो प्लस हो जाएगी, 3 प्लस 5 बराबर 2 की घात 8। दूसरे वाले है आपके भाग में दिया हो, जैसे 5 की घात 8 बटे 5 की घात 5, इसके लिए अपन माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे, 5 की घात 8 में से 5 की घात -5 कर लेंगे, तो आंसर आ गया 5 की घात 3। थर्ड जो है इसमें इस तरह के दिए होते हैं, 2 की घात 3 और उसका कोष्ठक में दिया जाता है और उसकी घात 5 दे दी जाती है। तो इसमें क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन में गुणा हो जाता है, 2 की घात 3, तो यहाँ पे 3 और 5 का गुणा कर देंगे, 2 की घात 15, ये आंसर आएगा। अब हम कुछ सवाल देख लेते हैं घातांक से रिलेटेड। जैसे कि ये दे दिया आपको क्वेश्चन कि 1234 की घात 553 का इकाई अंक ज्ञात करो, ठीक है ना, ये क्वेश्चन दे दिया। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, करना कुछ नहीं है, जो लास्ट का अंक जो होता है ना, उसका 4 बार अपन को स्क्वायर करके उसका इकाई अंक देखना होता है। जैसे कि 4 का करेंगे अपन, 4 4 चौक 16, अब 6 आया लास्ट में, 6 चौक 24 24 का 4 लास्ट में, 4 चौक 16, ठीक है, तो ये अपने पास आ गया। इसमें अपन क्या करेंगे, घात कुल कितनी दी है, 553, 553 में अपन 4 का भाग दे देंगे, है ना, 4 का भाग देना है, 4 का भाग दे देंगे अपन, 4 एकम 4 5 15, 4 3 12 13 14 15 33, 4 8 32, शेष कितना बचता है, एक शेष बचता है यानी पहले वाला अंक उठा लेंगे, शेषफल जितना बचा, 2 बचता दूसरा वाला, 3 बचता तीसरा वाला और 4 बचता चौथे वाला, एक शेषफल बचा इसलिए पहले वाला अंक उठा लेते हैं। तो अपने पास इकाई अंक क्या आ गया, 4, ये इसका आंसर हो गया कि 1234 की घात 553 का इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा। इसके अलावा कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 17 की घात 63 - 15 की घात 58, इसका इकाई अंक क्या होगा, है ना मजेदार। अब देखना इसमें क्या करेंगे अपन, वैसे ही 7 का कर लेंगे, 7 एकम 7, 7 ही 50, फिर 9 से 9 7 63 और 63 का 3 से 3 7 21, इकाई इकाई अंक देख लिया हमने चारों का, क्या हुआ, 4 एकम 4 और बचे कितने, 2 23, 4 5 20 सही था, है ना। और अब आते हैं 3 बाकी, तो शेष अपने पास क्या बचे, 3 3, यानी तीसरा अंक, 1 2 3 तीसरा अंक उठा लो। वैसे अपन 15 की घात 58 है ना, तो इसमें 15 का करेंगे, 15 क्या करेंगे, इकाई अंक 5 5 25, फिर इकाई अंक 5 आ गया, फिर 5 25, फिर इकाई अंक 5 आ गया, फिर 5 25, तो इसमें तो इकाई अंक सब में 5 ही आ रहा है, कैलकुलेशन ही करने की जरूरत नहीं। बाकी अपन करके देखते हैं, तो घात कितनी, 58 58 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4 5 18, 4 चौक 16 17 18, 2 शेष बचे, 2 शेष बचने का क्या मतलब है, सेकंड वाला उठा लेंगे ऑप्शन 1 और 2, दूसरे वाला 5, तो इसमें तो क्या है अपने पास 3 और इसमें क्या है 5, इकाई अंक घटाना है अपन को, तो 3 में से 5 घटाना है। अब यहाँ आगे चूंकि अपने पास स्क्वायर में बहुत सारे अंक, तो आगे 1 ले लेंगे, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8, ये आपका इकाई अंक प्राप्त हो गया, ठीक है, यानी 17 की घात 63 - 15 की घात 58 का इकाई अंक क्या होगा आपके, 8 होगा, ठीक है, बाय। कहीं भी समझने में कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कर दें, मैं आपका आंसर दूंगा तुरंत, ठीक है। कहीं कोई समझने में कोई दिक्कत आ रही किसी भी चैप्टर में, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपका आंसर दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे जो आंसर जो मैं दूंगा
उसको आप प्राप्त करते रहो टाइम पे, ठीक है ना। ठीक है, बाय फ्रेंड्स। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो सब भी मैथ में मास्टर हो सके। ठीक है, बाय।